नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील का जस्ट अभी अभी रिजल्ट आया है। ये हम लोग सबसे ऊपर जो रिजल्ट मिलता है सबसे पहले मैं वहीं देखता हूं, उसके बाद अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग इसका जो है स्टैंड लोन और कॉन्सोलिडेटेड दोनों रिजल्ट देख लेंगे। ये स्टैंड लोन इसका जो है रिजल्ट है, ठीक है ना, इस क्वार्टर का और 6 मंथ वाला दोनों है, ठीक है ना। टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो टोटल वैल्यू इसकी करोड़ में दी गई है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तीन रिजल्ट से मतलब है, ये इस क्वार्टर का है, इसके पिछले वाले क्वार्टर का और इसके सेम क्वार्टर का रिजल्ट ये हम लोगों को देखने के लिए मिला। थोड़ा सा और इसको हम लोग जूम कर देंगे अब यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू या इनकम टोटल यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर 2023 में इसको जो है लगभग टोटल वही 35,019 करोड़ का इनकम हुआ था। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 33,332 करोड़ का इनकम हुआ था, और इस क्वार्टर की बात करेंगे तो 33,250 करोड़ के आसपास का इनकम हुआ है। अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे यहाँ पे तो एक्सपेंसेस आप लोगों को नीचे दिख जाएगा, टोटल यहाँ पे 29,890 करोड़ रुपए का खर्चा इसका आया था सितंबर 2023 में। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 28,630 करोड़ का खर्चा आया था। वहीं पे इस क्वार्टर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में 28,478 करोड़ का खर्चा आया है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा घट के आया है और इसके सेम क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा घट के आया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 5,128 करोड़ था सितंबर 2023 में, एक साल पहले। पिछले क्वार्टर में 4,701 करोड़ का था, और इस क्वार्टर की बात करेंगे तो 4,772 करोड़ का इसको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, जो पिछले क्वार्टर से 72 करोड़ ज़्यादा है, और इसके सेम क्वार्टर से अगर हम लोग देखेंगे तो वहीं 60-70 करोड़ कम है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग देखेंगे या नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड यहाँ पे देखेंगे तो इसको लॉस हुआ था सितंबर 2023 में 8,490 करोड़ का। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में इसको जो है 3,330 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे हम लोग तो 3,390 करोड़ के आसपास का कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप लोग देख लीजिएगा। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर में भी इसके बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 6 रुपये 80 पैसे माइनस में था इसका एक साल पहले। पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 67 पैसे था, इस क्वार्टर की बात करेंगे तो 2 रुपये 88 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर देखने के लिए मिल रहा है, तो देख लीजिएगा। आगे इसके टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना।